बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.13 क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। कहा जा रहा है इफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल है 8 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू दी गई है और कहा जा रहा है अपने x क्यूब और 1 ओवर x क्यूब को आपने सिंप्लीफाई करना है। इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेंगे। गिवन में दिया हुआ है जी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल है 8 के, और कहा जा रहा है आपने x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब को आपने डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे, ए प्लस बी होल के क्यूब का हम फार्मूला लिखेंगे तो वो आ जाएगा जी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस और बी। अब भाई हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं जी, जो ए है वो इज इक्वल है एक्स के और जो बी है वो इज इक्वल है 1 ओवर एक्स के। तो जब मैं वैल्यू पुट करूँगा इस फार्मूले के अंदर तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है ए, तो ए किसके इक्वल है एक्स के, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस बी इज इक्वल है 1 ओवर x के, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर x और होल का आ जाएगा यहाँ पे क्यूब, वो किसके इक्वल होगा a के क्यूब, a मेरे पास है x तो यहाँ पे आ जाएगा x का क्यूब प्लस b इज इक्वल है 1 ओवर x के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर x का क्यूब प्लस 3 a की जगह पे आ जाएगा x, b की जगह पे आ जाएगा 1 ओवर x और a की जगह पे आ जाएगा x प्लस b की जगह पे आ जाएगा 1 ओवर x और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे x का क्यूब आ जाएगा सेम एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 1 ओवर x का क्यूब अगेन यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3, अब ये x इस x से कट जाएगा पीछे रह जाएगा 3 और x प्लस 1 ओवर x हमें दिया गया है 8, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 8। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x दिया गया है वो भी किसके इक्वल है 8 के, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 8 और बाहर आ जाएगा क्यूब, तो 8 का क्यूब आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 8 8 द 64 64 आ जाएगा। यहाँ पे 64 को हम अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 द 32 2 यहाँ पे आ गया, 3 मेरे पास कैरी आ गया, 8 6 द 48 और 48 के अंदर हम जब हम 3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 51, यानी कि इसका क्यूब आ चुका वह है 512 और ये x का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 1 ओवर x का क्यूब प्लस 8 3 द 24। अब x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब आ जाएगा इज इक्वल 512 और ये 24 इक्वल अगर दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 24। अब 512 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 24 में से, ये ऊपर 2 है नीचे 4 है, यहाँ से मैं 1 कैरी देता हूँ इसके, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे इस वक्त रह गया 0, 12 में से मैंने 4 निकाला तो पीछे रह गया मेरे पास 8, अब ऊपर 0 है 1 कैरी में से 2 का तो ये क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे क्या रह जाएगा 4, अब 10 में से मैं जब 2 को निकालूंगा यहाँ पे रह जाएगा 8 और ये मेरे पास 4 है एज इट इज़ आ जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब उसका आंसर आ जाएगा 488, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल है 3k, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल है 3k, आपने फाइंड करना है x का क्यूब माइनस 1 ओवर x का क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हम फार्मूला लगाए कि a माइनस बी होल का क्यूब वो इज इक्वल होगा जी a क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 b और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे a को इज इक्वल एक्स के और b को पुट कर देंगे हम 1 ओवर एक्स के, तो a माइनस बी दिया हुआ है यानी कि x माइनस 1 ओवर एक्स दिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज आ जाएगी बाहर आ जाएगा 3। यहाँ पे a क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो b माइनस का भी आ जाएगा 1 ओवर x का क्यूब माइनस 3, a की जगह पे आ जाएगा x, b की जगह पे 1 ओवर x और यहाँ पे x माइनस 1 ओवर x और ब्रैकेट क्लोज। अब x माइनस 1 ओवर x दिया हुआ है इज इक्वल 3k, तो जहाँ पे x माइनस 1 ओवर x लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3 को, तो ये आ जाएगा 3 का
क्यूब इज इक्वल है एक्स का क्यूब माइनस वन ओवर एक्स का क्यूब माइनस थ्री। ये एक्स इस एक्स से कैंसिल और एक्स माइनस वन और एक्स जगह पे आ जाएगा थ्री। थ्री का क्यूब आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री। थ्री थ्री था नाइन और नाइन थ्री था 27। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 इज इक्वल एक्स का क्यूब माइनस वन ओवर एक्स का क्यूब माइनस थ्री थ्री था नाइन। अब ये x माइनस वन ओवर x का क्यूब तो यहाँ पे रह जाएगा, यानी कि x माइनस वन ओवर x का क्यूब तो यहाँ पे रह जाएगा इज इक्वल 27 और ये माइनस नाइन उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस में नाइन। और जब हम 27 में नाइन को ऐड करेंगे तो नाइन प्लस वन टेन और सिक्स सिक्सटीन, सिक्सटीन सिक्स आ गया वन कैरी, यहाँ पे टू और वन थ्री आ जाएगा 36। तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स का क्यूब इज इक्वल है 36 के। तो ये मेरे पास आ गया सिंपल इसका आंसर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर में दिया गया है जी एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल 7 के, और कहा जा रहा है जी एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स का क्यूब हमने फाइंड करना है। तो इसके ऊपर सिंपल वही फॉर्म लगेगा ए प्लस बी होल का क्यूब जो इज इक्वल है जी ए क्यूब के प्लस में बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज। अब लेट कर ले यहाँ के जहाँ पे ए लिखा हुआ है वहाँ पे हमने पुट कर देना है एक्स को, जहाँ पे बी लिखा हुआ है वहाँ पे पुट कर देना हमने वन ओवर एक्स को। ठीक है, जहाँ पे ए होगा वहाँ पे एक्स और जहाँ पे बी होगा वहाँ पे वन ओवर एक्स। तो ए प्लस बी है तो यानी कि एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल का आ जाएगा क्यूब इज इक्वल है ए है तो यानी कि एक्स का क्यूब, बी है तो वन ओवर एक्स का क्यूब प्लस थ्री। ए की जगह पे आ जाएगा एक्स, बी की जगह पे वन ओवर एक्स, ए की जगह पे आ जाएगा एक्स और बी की जगह पे वन डिवाइडेड बाय एक्स और ब्रैकेट क्लोज। अब जहाँ पे एक्स प्लस वन ओवर एक्स दिया हुआ है, जहाँ पे एक्स प्लस वन ओवर एक्स है वहाँ पे हम लगा देंगे सेवन को। तो यहाँ पे आ जाएगा सेवन का क्यूब इज इक्वल है एक्स का क्यूब प्लस वन ओवर एक्स का क्यूब प्लस थ्री। ये एक्स इस एक्स से कैंसिल और एक्स प्लस वन ओवर एक्स जगह पे आ जाएगा सेवन। अब सेवन का क्यूब ले लेंगे तो सेवन मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन, सेवन सेवन था 49। 49 को जब हम सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन नाइन था 63। थ्री आ जाएगा सिक्स कैरी, सेवन फोर था 28। 28 में हम सिक्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 34, यानी कि 343 इज इक्वल एक्स का क्यूब प्लस वन ओवर एक्स का क्यूब और सेवन थ्री था 21। अब जहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब लिखा हुआ है वो सेम टू सेम आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स का क्यूब तो यहाँ पे रह गया इज इक्वल था 343। अब ये प्लस 21 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 21। तो 343 में से जब हम 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 निकाला पीछे रह गया 2, 4 में से 2 निकाला पीछे 2 और 3 से एज इट इज आ जाएगा। तो x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब इज इक्वल आ जाएगा 322 और ये मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 है, 5 में दिया गया है जी x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल 2 के, और x का क्यूब माइनस वन ओवर x का क्यूब ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे a माइनस बी होल का क्यूब। जब माइनस में रकम होगी तो हमने माइनस वाला फार्मूला लगाना है, जब प्लस में होगी तो प्लस वाला। तो माइनस वाला फार्मूला इज इक्वल होता है a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस थ्री ए बी और ब्रैकेट a माइनस बी। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो a है वो इज इक्वल है x के और जो b है वो इज इक्वल है 1 ओवर x के। तो एक जगह पे आ जाएगा x, b की जगह पे 1 ओवर x ब्रैकेट आ जाएगी क्लोज, पावर आ जाएगी 3। a की जगह पे x तो ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस b की जगह पे 1 ओवर x तो 1 ओवर x का क्यूब माइनस 3। a की जगह पे x, b की जगह पे 1 ओवर x, a की जगह पे x माइनस 1 ओवर x और ब्रैकेट आ जाएगी क्लोज। अब जहाँ पे x माइनस वन ओवर x लिखा हुआ है वो इज इक्वल है 2 के, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2 का क्यूब इज इक्वल x का क्यूब माइनस वन ओवर x का क्यूब माइनस 3। ये x इज x से कैंसिल और x माइनस वन ओवर x जगह पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब 2 का क्यूब होता है जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 द 4 और 4 2 द 8, यहाँ पे आ जाएगा 8।
इज इक्वल के बाद आ जाएगा जी एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स का क्यूब माइनस थ्री टू द सिक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एट, ये माइनस सिक्स इक्वल टू सिर्फ आके हो जाएगा प्लस में सिक्स, और यहाँ पे रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स का क्यूब, और एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स का क्यूब इज इक्वल हो जाएगा एट प्लस सिक्स, तो ये आ जाएगा फोर्टीन, और ये सिंपल मेरे पास आ जाएगा इसका भी आंसर। ये तो क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर एंड फाइव को हमने सिंपलीफाई कर लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला, इसके अंदर हमें तीन पार्ट दिए हुए हैं, बारी बारी हम इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है जी थर्टीन, ये तो क्वेश्चन नंबर वन को हम सॉल्व करके थर्टीन है, तो अगर हम इसे ऐसे लिखते टेन प्लस थ्री तो ये भी क्या हो जाएगा फिर भी थर्टीन हो जाएगा। यहाँ पे हम ले लेंगे टेकिंग क्यूब, टेकिंग क्यूब हम लेंगे तो ये आ जाएगा टेन प्लस थ्री होल का क्यूब। अब इसके ऊपर हम फार्मूला लगाए के देखिए ए प्लस बी, तो अभी इसके ऊपर फार्मूला लगा लेंगे ए प्लस बी होल का क्यूब जो इज इक्वल होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं ए को इज इक्वल टेन के और बी को हम इज इक्वल पुट कर लेंगे थ्री के, तो जहाँ पे ए लिखा हुआ है वहाँ पे हम लिख लेंगे टेन को, तो ये आ जाएगा जी टेन का क्यूब प्लस बी की जगह पे आ जाएगा थ्री का क्यूब प्लस थ्री, ए की जगह पे आ जाएगा टेन, बी की जगह पे आ जाएगा थ्री, ए की जगह पे टेन और बी की जगह पे आ जाएगा थ्री। अब टेन का क्यूब होता है जी वन थाउजेंड और थ्री का क्यूब होता है ट्वेंटी सेवन, और जब हम थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा नाइन, नाइन को टेन से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा नाइन्टी और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा टेन प्लस थ्री और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आ जाएगा वन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी सेवन, नाइन्टी को मैं टेन से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा नाइन हंड्रेड और नाइन्टी को थ्री से मल्टीप्लाई करवाया तो थ्री जीरो जीरो और थ्री नाइन दा ट्वेंटी सेवन। अब हम इन तमाम रकम को हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन थाउजेंड, उसके नीचे आ जाएगा ट्वेंटी सेवन, उसके नीचे हम लिख लेंगे नाइन हंड्रेड को और उसके हम नीचे लिख लेंगे हम टू हंड्रेड एंड सेवेंटी को, ये आ जाएगा सेवन, सेवन प्लस टू ये आ जाएगा नाइन, नाइन प्लस टू ये आ जाएगा इलेवन, वन और वन टू, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा टू थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी सेवन, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर दिया हुआ है वन हंड्रेड थ्री, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ हंड्रेड प्लस थ्री ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला, तो फार्मूला लिखेंगे ए प्लस बी होल का क्यूब जो इज इक्वल है ए क्यूब के प्लस में बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं ए को इज इक्वल वन हंड्रेड के और बी को इज इक्वल पुट करेंगे हम थ्री के, तो इसके फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ए की जगह पे आ जाएगा वन हंड्रेड का क्यूब और बी की जगह पे आ जाएगा थ्री का क्यूब प्लस थ्री, ए की जगह पे आएगा वन हंड्रेड, बी की जगह पे थ्री, ए की जगह पे वन हंड्रेड प्लस बी की जगह पे आ जाएगा थ्री। अब वन हंड्रेड मल्टीप्लाई वन हंड्रेड मल्टीप्लाई वन हंड्रेड टू फोर एंड सिक्स, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगी प्लस थ्री का क्यूब आ जाएगा ट्वेंटी सेवन और थ्री थ्री द नाइन, नाइन को हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नाइन हंड्रेड और ब्रैकेट में आ जाएगा वन हंड्रेड प्लस थ्री ब्रैकेट क्लोज। अब ये तो रकम एज इट इज़ आ जाएगी, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ट्वेंटी सेवन, नाइन हंड्रेड को जब मैं हंड्रेड से मल्टीप्लाई करूँगा दो जीरो ये दो जीरो ये, तो ये हो जाएगी फोर जीरो प्लस थ्री जीरो दा जीरो थ्री जीरो दा जीरो और थ्री नाइन दा ट्वेंटी सेवन। अब हम तमाम को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव फोर सिक्स, फिर आ जाएगा ट्वेंटी सेवन, ये ट्वेंटी सेवन आ गया, फिर आ जाता है नाइन्टी थाउजेंड, ये आ जाएगा वन टू थ्री फोर और ये आ जाएगा नाइन, फिर आ जाएगा ट्वेंटी सेवन हंड्रेड, तो ये आ जाएगा टू सेवन जीरो जीरो और इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई, ये जीरो आ जाएगा जीरो जीरो सेवन एज इट इज, ये आ जाएगा टू, ये आ जाएगा सेवन,
ये आ जाएगा टू, यहाँ पे आ जाएगा नाइन, ये ज़ीरो एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा वन। तो इसका जो आंसर आ गया 109 27 27, ये सिंपल इसका आ जाएगा आंसर। ये तो लास्ट पार्ट दिया हुआ है जी 0.99। अगर मैं यहाँ से पॉइंट ख़त्म करूँ यहाँ पे वन और नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा नीचे 00, ये हो जाएगा 99/100। अब अगर हम इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो 100 को हम अलहदा कर लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं 100 - 1 ब्रैकेट क्लोज, और इसका हम ले लेते हैं क्यूब 100, तो आ जाएगा बाहर और यहाँ पे आ जाएगा 100 - 1 ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा होल का हम ले लेते हैं क्यूब 1/100, तो का क्यूब तो हम अलहदा लिख लेते हैं और यहाँ पे 100 - 1 के अगर क्यूब को हम अलहदा लिख लेते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे हम a - b होल का क्यूब जो इज इक्वल होता है a³ - b³ - c ab और ब्रैकेट में a - b ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे रकम हम पहली एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ पे हम नेक्स्ट फार्मूला पुट करेंगे या फिर हम कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम साथ लिख लेते हैं लेट ए इज इक्वल है 100 के और बी को हम इज इक्वल पुट कर लेंगे 1 के, ये हमने साथ याद रखने हैं। तो जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हमने क्या लिख देना है 100 का क्यूब माइनस बी की जगह पे 1 का क्यूब माइनस 3 ए की जगह पे 100, बी की जगह पे 1, ए की जगह पे 100 - बी की जगह पे 1 और यह आ जाएगी कर्ली ब्रैकेट क्लोज। 1/100 होल का क्यूब तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब बाहर क्यूब आ चुका हुआ है तो मीन्स के 10 को हमने 6 टाइम लिख देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 -1 - ये आ जाएगा 300 और ब्रैकेट में आ जाएगा 100 - 1 ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज। नेक्स्ट 1/100 तो हम लिखते हैं कि फिल वक्त एज इट इज़, और बाकी रकमों को हम सिंपलीफाई करें तो ये 60 ऐसे ही आ जाएगी मेरे पास, -1 भी माइनस ये 20 और ये 20, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 and 4, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 300, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले पहली रकम और तीसरी रकम को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीचे आ जाएगा 1, 2, 3, 4 and 3, ये 0 as it is 0 as it is 0 as it is 0 as it is। अब इस ये 0 है, 0 में से 1 को मैंने दिया कैरी इस तरफ, यहाँ पे हो जाएगा 10 में से कैरी दे दिया आगे, ये भी हो गया 10 और पीछे रह गया 9। अब 10 में से जब मैंने 3 को निकाला पीछे रहेगा 7 और ये 9 एज इट इज़ आ जाएगा। तो कर्ली ब्रैकेट के बाद जो मेरे पास रकम बच रही है उसमें से -1 + 300 ये रकम बच जाएगी और बाहर रकम 1/100 होल का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1/100 का क्यूब हम निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा 60 1 2 3 4 5 and 60 यहाँ पे आ जाएगी। जो नेक्स्ट 300 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 299। अब उसमें से हम इस रकम को ऐड कर लेंगे तो यह आ जाएगी 9, 7, 1, 2, 3, 4 और नीचे 299, ये आ जाएगा 9, 9, 2, 0, 7, 9। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 9, 7, 0, 2, 9, 9 और ब्रैकेट क्लोज। और जब ऊपर वाली रकम लिखी कि हम 9, 7, 0, 2, 9, 9 और नीचे 60 1, 2, 3, 4, 5 and 6 60 लगा के तो हम सिंपलीफाई करेंगे तो ऊपर 6 डिजिट हम कैंसिल करें तो एंड के ऊपर मेरे पास आ जाएगा पॉइंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.97029 ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल इसका आंसर। ये थी मेरे पास एक्सरसाइज 2.13 जो कि आज मेरे पास हो चुकी है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का अगर हम 2.14 को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।